इस समय आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर हम आपको बता दें कि करनाल की थाना सदर पुलिस ने एक बड़े ऑपरेशन के तहत आप देख सकते हैं कि किस तरह से पशु तस्करों के एक बड़े गैंग का पर्दाफाश किया है। और हम आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश जिस तरह से बड़ी संख्या में पशु तस्करी की जाती है, करनाल की थाना सदर पुलिस देर रात को जब गश्त पे थी तो एक संदिग्ध बड़ा ट्रक जब पुलिस ने देखा तो उसको रोकना चाहा तो उसमें देखा कि किस तरह से ऊपर और नीचे तक किस तरह से 100 के करीब पशु जो है ठूस ठूस कर यहाँ पर भरे हुए थे, जिनको जो है पशु तस्करी में और किस तरह से उनको जो यूपी में जितने भी हाउसेस हैं वहां पर लेकर जाया जाता है। आप ये तस्वीरें समय देख सकते हैं कि किस तरह से एक पशु तस्करी के एक बड़े गैंग का पर्दाफाश पुलिस ने किया है। हम आपको बताएं कि आप देख सकते हैं कि एक ट्रक में किस तरह से 100 से ऊपर जो पशु है किस तरह से ठूस ठूस कर भर रखे थे और उनको तस्करी के लिए लेकर जाया जा रहा था। जब करनाल की थाना सदर पुलिस ने इनका पीछा किया तो इन्होंने भागने की भी कोशिश की। इनके साथ जो पशु तस्करों की एक गाड़ी है, जो माफिया होते हैं, वो भी साथ चल रहे थे स्विफ्ट गाड़ी में, जिनको भी जो है पुलिस ने रंगे हाथ काबू किया है। और इस समय आप देख सकते हैं कि थाना सदर पुलिस मौके पर मौजूद है और किस तरह से एक जो ट्रक बड़ा पकड़ा है, कंटेनर बड़ा पकड़ा है, उसके ऊपर एक फट्टों का छत भी जो है बनाई हुई थी और छत के ऊपर भी किस तरह से पशुओं को बांध कर ठूस ठूस कर भरा गया था। और आप देख सकते हैं कि एक ट्रक में 100 के करीब पशु यहां पर पकड़े हैं। और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि इस समय सब इंस्पेक्टर वरेंद्र सिंह हमारे साथ हैं। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या कुछ जानकारी मिली थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के रास्ते जो है पशु तस्करी बड़ी संख्या में होती है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कोई जानकारी नहीं, हम बराई गश्त पे थे मेट रोड पे, तो इस कंटेनर के आगे आगे एक स्विफ्ट गाड़ी चली हुई थी जो कि यूपी नंबर थी। हमने देखा कि इसके पीछे कोई नंबर नहीं था, जो होता है अपने उसके हाथ दिया रोकने पे, उन्होंने तेज भगाया जी, तेज भगाया, फिर हमने रोकने की कोशिश की और उन्होंने फिर और तेज भगा दिया। फिर हमने ऐसे तैसे करके कंट्रोल किया इनको, और एक स्विफ्ट गाड़ी है जिसका नंबर है UP11AQ5725 जो कि सदर थाना करनाल में अभी खड़ी जी। तो क्या कुछ कार्रवाई सर की जाएगी अब इस मामले में? इसका जो भी क्रूरता का खर्चा होता है वो दिया जाएगा। पहले तो इनकी जान की सलामती हम करेंगे अच्छी तरह इनको सेव। तो कितने पशु सर एक गाड़ी से बरामद हुए हैं? इसे शायद 100-150 के बीच में, मतलब बड़ी तरह बुरी तरह से ठूस 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 के इनमें भरा हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से सदर पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। और आप देख सकते हैं पशु क्रूरता अधिनियम एक्ट के तहत इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आप देख सकते हैं कि कई पशु ऐसे हैं उनकी आंखों से आप आंसू बहते हुए देख सकते हैं, ये तस्वीरें इस समय लाइव देख सकते हैं कि किस तरह से पशुओं को ठूस ठूस कर इसमें भरा गया था, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। हम चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस खबर को शेयर करें। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से 100 से 125 के करीब पशु जो हैं इसमें एक गाड़ी में किस तरह से ठूस ठूस कर भर रखे थे, क्योंकि इनको वहां आगे काटने के लिए जो लेकर जाया जाता है। जो सवाल अपने आप में बड़ा गंभीर है कि हरियाणा पुलिस हालांकि इस मामले में पहले भी कई बार सख्त कार्रवाई कर चुकी है, और अब आप तस्वीरें देख सकते हैं कि करनाल की थाना सदर पुलिस ने एक पशु तस्करी के एक बड़े गैंग का पर्दाफाश किया। और जब पुलिस की टीम ने इनको पकड़ने की कोशिश की तो उसके बाद इन्होंने भागने तक की कोशिश की है। और आप ये तस्वीरें इस समय करनाल के थाना सदर के सामने की देख रहे हैं, जहां पर इस कंटेनर से जो बड़ा 10 टायर कंटेनर है उसमें से किस तरह से पशुओं को उतारा जा रहा है ताकि इनको बचाया जा सके, क्योंकि अगर इसी तरह से ये पशु बंधे रहे गर्दनों के सहारे, करीब 100-125 के करीब पशु ये बंधे हुए हैं तो मर भी सकते हैं, तो सख्त कार्रवाई जो है इनके खिलाफ की जानी चाहिए। हम आपको बता दें कि इस समय आप तस्वीरें देख रहे थे करनाल के थाना सदर के नजदीक, जहां पर मेरठ रोड के नजदीक जो है करनाल की थाना सदर पुलिस को ये कामयाबी हासिल हुई है, जब उनको एक संदिग्ध गाड़ी जाती हुई नजर आई जिसके साथ एक यूपी नंबर की एक और गाड़ी जो है चल रही थी। जब करनाल पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की तो उन्होंने भागने का प्रयास भी किया, जिसके बाद जो है करनाल पुलिस ने इनको रंगे हाथ काबू कर लिया है। और हम चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा लोग इस खबर को शेयर करें, क्योंकि बड़ी कामयाबी करनाल पुलिस के हाथ लगी है। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज।